नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज के न्यू अपडेट में। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, आपको मैं इस ब्रिज का जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और सबलपुर के पास जो रैंप उतर रहा है उसकी भी आप लोगों को डिटेल्स में जानकारी देंगे, पूरी तस्वीर दिखाएंगे, ब्रिज में कहाँ पर कितना पाया बन रहा है, कितनी लंबाई है, कितनी लागत से ये प्रोजेक्ट बन रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस ब्रिज के माध्यम इस अपडेट के माध्यम से देंगे। तो वीडियो में बने रहें और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी आप देख सकते हैं मैं दो नंबर के पास हूँ और दो नंबर के पास जो है डीशटरिंग का काम जो है यहाँ पर चल रहा है, आ गया है जो मटेरियल है, जो किरान है, जो बूम प्रेशर है उसको भी शिफ्ट यहां पर कर लिया गया है। और अभी देख सकते हैं यहां पर जो दो नंबर के पेड़ के ऊपर जो है अपर पाइलन का जो काम है, जो स्टेजिंग का काम है, जो टावर का काम है, वो यहां पर देख सकते हैं आप क्लियर यहां पर चल रहा है। और डी शटरिंग का भी काम चल रहा है, जो नीचे में शटरिंग लगा हुआ है उसको जो है सो रिमूव किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किरान के माध्यम से जो है सो शटरिंग को बिल्कुल हैंग करके रखा हुआ है और उसको जो है सो नीचे शिफ्ट करने का काम जो है किया जा रहा है। तो आगे आप लोगों को लेकर के चलेंगे। सामने का जो आप लोग देख रहे हैं वो सबलपुर का जो रैंप है उसकी तस्वीर आप लोग सामने देख पा रहे होंगे। एक नंबर पाया जो कि कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन का जो एक नंबर का पाया है उसका भी निर्माण काफ़ी तेज़ी से अब हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, बीच में काम बंद था, काफ़ी टाइम के बाद जो है सो एक नंबर का पाया का जो है निर्माण हो रहा है और उसका जो सरियाबंदी का काम है वो यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं वर्कर जो है किस तरह से लगा हुआ है और सरियाबंदी का काम हो रहा है। सामने देख सकते हैं जो दो नंबर का पाया है और इधर में देख लीजिए सबलपुर का जो रैंप उतरेगा उसका पाया आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। तो एक नंबर पाया का जैसे ही काम कंप्लीट होगा तो सबलपुर का जो रैंप है वो इसको बहुत जल्द कनेक्ट कर लिया जाएगा। सामने जो देख रहे हैं दो नंबर का पाया है उससे भी जो है सो यहाँ पर आसानी हो जाएगा कनेक्ट होने के लिए। ये जो पाया आप लोग देख रहे हैं इसमें काफ़ी स्ट्रक्चर जो है लग चुका है, इसका जो स्टेजिंग है, इसका जो भाड़ा है वो काफ़ी हद तक लग चुका है। शटरिंग का भी काम चल रहा है, इसमें सरियाबंदी नहीं किया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ ये पाया से वो पाया जो है एक ही बार इसको ढलाई कर दिया जाएगा, उसके बाद इसमें कनेक्ट हो जाएगा। ये तस्वीर जो आप लोग देख रहे हैं सबलपुर का जो रैंप उतरेगा पटना के साइड उसकी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये पाया का जो है जितना भी पाया है इसका निर्माण हो चुका है, कहीं कहीं पर पेयर कैप भी बन के तैयार है। यहाँ पर देख लीजिए एक पेयर कैप का जो है ढलाई का भी काम हो चुका है, आगे भी पेयर कैप में जो है सो काम चल रहा है। पाया का निर्माण जो रैंप का जो पाया का निर्माण है वो पूरा हो चुका है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ विश्व का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज यहाँ पर बन रहा है, जो कि इसकी कुल लंबाई जो है 22 किलोमीटर 760 मीटर है, जिसमें से 9.76 किलोमीटर जो है इसका मुख्य पुल होगा जो कि गंगा के बीचों बीच होगा, और एक्स्ट्रा डोज केबल भी जो है जो 9.76 किलोमीटर के अंडर ही लगना है। और इस ब्रिज में 8 रैंप जो है उतरेगा, 2 NH-30 के पास उतरेगा और जो अभी आप लोगों को मैं तस्वीर दिखाया सबलपुर के पास जो रैंप उतरेगा यहाँ पर भी 2 रैंप उतरना है, उसके बाद राघोपुर में 2 रैंप उतरेगा, उसके बाद में बिदुपुर के साइड में 2 रैंप उतरेगा, टोटल 8 रैंप जो है यहाँ से इस ब्रिज के अंदर से उतरेगा। और आपको बता दें 4,888 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट का जो है निर्माण हो रहा है और इस ब्रिज को जो कम्प्लीट होने का लक्ष्य रखा गया है 2023 का रखा गया है, लेकिन जिस हिसाब से काम चल रहा है लग नहीं रहा है कि 2023 में ये कंप्लीट हो पाएगा, कम से कम 2024-25 तक तो नॉर्मली जाएगा ये प्रोजेक्ट। तो यही अपडेट आप लोगों को दिखाना था और देना था। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन का अपडेट जो है हम अपने चैनल पर डेली अपडेट करते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।